झारखंड की राजधानी रांची से 35 किलोमीटर दूर स्थित मांडर में ऐतिहासिक मुरमा जतरा मेला में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सदियों से इस मेला का आयोजन होता आया है। 40 पढ़ा के पाहनों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मांडल, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की समेत कई लोग पहुंचे। मेले में मेरा यहां पहला दौरा नहीं है और चूंकि ये समाज के हमारे एक हिस्से का समाज का एक हिस्सा भी है, तो जब मन किया, चाहे विधायक रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, हम लोगों को इस मेले में आने का अपना एक अधिकार प्राप्त। आदिकाल से ये मेला यहां और लोगों का जुटान समाज का होता रहा है और जहां तक मुझे हल्का हल्का याद है, चूंकि ये समाज इतने लंबे समय तक इतनी लंबी दूरी तय किया, तो कहीं ना कहीं समाज में थोड़ा सा बिखराव और टूट फूट का भी आसार नजर आने लगा था और तभी यहां पर हमारे विश्वम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी और हमारे तत्कालीन आपके स्थानीय विधायक सह मंत्री बंधु तिर्की जी ने और धर्मगुरु हमारे बंधन तिग्गा जी ने एक मजबूत प्रयास के साथ इस मुड़मा जतरा में एक ऐसा नींव गाड़ा कि आज उस खूंटे के इर्द गिर्द घूमने के लिए यहां पर अलग अलग राज्यों से हमारे समाज के लोग यहां पहुंचते हैं और ये मैं समझता हूं कि आज समाज की रक्षा करना सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है, इस समाज का रक्षा करना समाज के हर व्यक्ति का, इसमें हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए, तभी समाज बचेगा। हम आपके संरक्षक जरूर हो सकते हैं, हम आपको एक जिम्मेवारी जरूर दे सकते हैं, आपके लिए एक सौगात, एक संरक्षण व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को बचाए रखने के लिए और व्यवस्था के अंदर होने वाले गतिविधियों को बचाए रखने के लिए समाज के लोगों को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आज इस ऐतिहासिक मुरमा मेला यह हमारे लिए काफी गर्व का क्षण है। यह मेला हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी एकता को दर्शाता है। दोस्तों, आज का दिन, यह ऐतिहासिक मुरमा मेला, मुंडा जनजाति और उराव जनजाति का जो मिलन है, जो एकता है, उसका प्रतीक है यह मुरमा मेला। आज यहां पे लगभग 40 पाढ़ा से आए हुए लोग अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। कहते हैं ये मेला लगभग 1400 वर्ष पुराना है और आज तक इस परंपरा को हमने जीवित रखा है, ये काफी हमारे लिए एक गर्व का विषय है। और बात को समझ कर जाको, जतरा के बचाए खाओ, हम इनके बचना है तो बात के समझना है, जतरा के भी आगे बढ़ाना है, समाज के भी आगे बढ़ाना है, इसलिए इस सब बात के बढ़िया से सुन करके सोप को जाबा। तो बात ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज समझना है, 20 साल के बाद अगर इस राज के लोगों को
यहाँ का आदिवासी मूलवासी सदान को अगर कोई रास्ता देने का काम कर रहा है, उसके लिए कानून बनाने का काम कर रहा है, तो राज का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है, इसको समझो। पूरा उलझा के रख दिया है, पूरा मकड़ा जाल जैसे सबको रखा गया था, इसको एक एक सूता जैसे नुके छोड़ा के काम करा, तो इस बात के समझना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।